पार्टी कांग्रेस पार्टी नाम की चीज ही नहीं है, केवल वहाँ तो बापू एंड सन्स चलता है। कांग्रेस में ऐसों की गुटबाजी है, आपस में उनमें कई तरह के झगड़े हैं, इसलिए भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपिंदर सिंह हुड्डा, कहीं शैलजा, कहीं वीरेंद्र सिंह, कहीं दूसरे लोग, कहीं दूसरे लोग, इतना ज्यादा वो यहाँ पे विकास करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। देखिए, नायब सैनी तो 90 के 90 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं, नाडवा से जीतेंगे, करनाल से पहले जीतते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी ठीक है, नेता भी ठीक है, भारी मतों से जीत कर विधानसभा में जाएंगे, हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री। लाडवा से लड़ रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब लाडवा से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जनता के कुछ लोग मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कि करनाल अपनी इजी सीट छोड़ के वो लाडवा से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? लाडवा से वैसे तो उनका गृह क्षेत्र भी है, जो सुनने में आया है हमारे को, और कहीं से भी चाहे मुख्यमंत्री को कहीं से भी लड़ा लो, वहीं से जीतेंगे, ये उनमें खूबी है। पहले नारायणगढ़ से जीतते हैं, जब विधायक रहे हैं तो मंत्री भी बने हैं, इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको MP का टिकट देकर कुरुक्षेत्र से वहाँ से भी जीतते हैं। उनमें एक खासियत है, खूबी है, वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं भारी बहुमत के साथ, फिर लाडवा से जीतेंगे, करनाल से पहले जीतते हैं, तो उनमें एक ऐसा जोश है कि वो जहाँ भी जाते हैं सभी के साथ मिलकर के चलते हैं, और लोगों में पूरा विश्वास है उनके प्रति। और तीसरी बार अब दोबारा से फिर माननीय हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभालेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है इस चुनाव में एक बार फिर से जो कुरुक्षेत्र है वो युद्ध क्षेत्र बनने वाला है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से लड़ने वाले हैं? हाँ जी, ये तो एक हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और ये भी गारंटी है कि वो एक कामयाब मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं और बहुत ही इतना ज़्यादा वो यहाँ पे विकास करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। जीतेंगे नहीं, रिकॉर्ड तोड़ से जीतेंगे। कांग्रेस को फिर से एक बार मात देंगे? दोबारा से कांग्रेस को मात देंगे, बिल्कुल। रादौर से पूर्व विधायक ईश्वर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको क्या लगता है, करनाल छोड़ के लाडवा से लड़ रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है ताकि रादौर, आगे गोहाना और जगह का भी फायदा भाजपा को मिल सके? ऐसा है, लाडवा विधानसभा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र रहा है, वहाँ से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुने गए थे हमारे पवन सैनी जी, और लाडवा में मुख्यमंत्री जी हमारे श्री नायब सैनी जी भारी मतों से जीत कर जाएंगे, और आसपास की जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उनको, उनमें भी मुख्यमंत्री के लाडवा से चुनाव लड़ने का लाभ मिलेगा। तो आपको लगता है कि इस बार वो जीत हासिल करके कांग्रेस को फिर से मात दे पाएंगे? भारी मतों से जीत कर विधानसभा में जाएंगे, हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने। कांग्रेस की अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई, क्या लगता है क्या देरी का कारण हो सकता है? कांग्रेस में ऐसे ही है, वो तो कांग्रेस वाले जाने क्यों नहीं देरी कर रहे, क्योंकि गुटबाजी है, आपस में उनमें कई तरह के झगड़े हैं, इसलिए लिस्ट में देरी हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या चक्कर है, लोग दूसरी पार्टियां छोड़ के भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं, आज संदीप जी दोबारा से अपनी पार्टी में आ चुके हैं, और तमाम जितने भी कोई कांग्रेस छोड़ रहा है जी, कोई पार्टी छोड़ के अब भाजपा में शामिल हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी ठीक है, नेता भी ठीक है, जहां तक संदीप जी की बात है ये मन से यही था, ये तन से कहीं और चला गया था, भाई है हमारा छोटा, हमारा लाडला, हम तो हमेशा इसकी इज्जत करते हैं, हमारा जो मोर्चा का जिला का अध्यक्ष भी रहा है, ये वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। सर, और भी अगर बात करें, ज्वाइनिंग हो रही है दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पार्टी कांग्रेस पार्टी नाम की चीज ही नहीं है, केवल वहाँ तो बापू एंड सन्स चलता है, मतलब भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपिंदर सिंह हुड्डा, कहीं शैलजा, कहीं वीरेंद्र सिंह, कहीं दूसरे लोग चलता है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी जो विचार की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश को पहले मानता है, पार्टी बाद में मानता है, और व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर रखने का काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विचारवान पार्टी है। जिसमें संदीप जी द्वारा अपने परिवार में मैं इनका स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ, हमारा बहुत होनहार कार्यकर्ता है, नेता है, इसका संदीप जी का भविष्य जो है भाजपा में बहुत उज्ज्वल है,
इनका पुनः मैं स्वागत करूँ। अच्छा मेरे साहब ये बताइए, सुपर फास्ट लिस्ट जो है भाजपा की आ चुकी है, कांग्रेस अभी भी उलझनों में है कि उड्डा ग्रुप टिकट देगा, सैलजा ग्रुप टिकट देगी या कोई और, ऐसे कैसे देखते हैं आप? को तो चिंता है कहीं हम टिकटें अनाउंस करेंगे हमारे आदमी ना भाग जाए, वो तो लास्ट मोमेंट पे जाकर के अनाउंस करने का काम करेंगे, जिनको कोई मौका ही ना मिलेगी जो नॉमिनेशन कर दें। ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो समय रहते सारे के सारे अपने कैंडिडेट अनाउंस करती है, और आप देखना एक दिन के बाद सारे के सारे हमारे दफ्तर भी खुल जाएंगे जो विधानसभाओं के हैं, और उसके बाद सारे के सारे चुनाव कार्यालय भी खुलने वाले हैं। सर एक बड़ा सवाल का जवाब दे दीजिए, करनाल जो कि करनाल अपनी इजी सीट छोड़ के मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से इलेक्शन लड़ रहे, इसके पीछे का क्या कारण? लॉजिक क्या? देखिए नायब सैनी तो 90 के 90 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम नायब सैनी जी के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं 90 के 90 विधानसभा, और मुख्यमंत्री बनने के लिए कहीं ना कहीं से विधायक बनना जरूरी है। और हम जहाँ तक आप करनाल की बात कर रहे हैं, करनाल तो वो एक सीट खाली हुई थी कुछ समय के लिए, उस पर उन्होंने जाकर चुनाव लड़ा है, और मिड में हरियाणा के जो लाडवा में चुनाव उन्होंने लड़ने का ऐलान किया है, तो एक वहाँ से प्रचंड बहुमत से जीत करके वो विधानसभा में जाएंगे। सर मेरा एक आपसे एक सवाल है, इस बार की जो लिस्ट आई है उसमें पुराने घोड़े मैदान में उतारे हैं, क्या लगता है क्या रेस में जाएंगे? देखिए एक कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड, हाँ जी ठीक है ना, तो इसलिए पुराने घोड़े की बात ना करो आप, वो हमारे शेर है, शेर है, शेर है, ठीक है ना, और कितना शेर आया, शेर आया, शेर आया, और हमारे शेर मैदान में आ चुके हैं। चल बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।